सुनाली फुकाट का तो मैं तो नाम लेना चाहती, मैं जानती है नहीं कौन फुकाट सा कौन है वह। अच्छा। वह है एक गिरी हुई। अच्छा। नहीं समझ देती कुर्सी गंदी नाली की कीड़ी जा मेरी हवा, हम नहीं समझ देती ये खट्टर सरकार है या एक खूनी सरकार बाजगी है, क्यों या खून लागी करवाने पे। दुष्यंत चौटाला तो एक कौम का गरदार हो गया। हाँ। है और सारी देनी आऊंगी दुष्यंत चौटाला ने भी, वो किसान नहीं है, वो कोई कमीन आदमी था, कमीन था वो, अपना ओहदा बदवान का तरक्तों बनाएगा कुछ और नहीं लाग रही है ना, वह भी जानती रहेगी उसकी, और घर बैठुआ कर छोड़ा गया हमें छोड़ दे कोई नहीं। कि लोग न्यू को हैं जो ये नेता हैं जो किसान नेता बने आंडे हैं वे के कर रहे हैं, जिस टाइम पर विरोध किया जाओ जिस टाइम पर लठ लागे उस टाइम पर आगे को नहीं आंदे, लेकिन जोड़ा का ये भाई नेता भी कई डाल के अरे जो नेता सही हो ना, हरियाणा में और कितने कोई बात दे जसाबंदी इसमें पंजाब में है और कोई बात दा लठ। आपके क्या विचार है, क्या किसी ने किसान मोर्चा में इलेक्शन लड़ना चाहिए? न्यूज़ देसी देखने वाले सारे दर्शकों भाई मनीक जागलान की राम राम। आज एक ऐसी शख्सियत आपने मिलाएंगे जिसका परिचय कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आजकल फेमस है, एक फेमस नाम के साथ फेमस हो रही जिस तरह ताऊ देवीलाल फेमस हुआ था, ताई कंडेले वाली भाई। ताई राम राम। राम राम बेटा। और ठीक होगी? हाँ ठीक सुन बेटा, कई दिन बुखार तो आ गया था। अच्छा करीब तो आराम है। तो दर्शक साथियों आज बात करांगे आप आंदोलन तक जुड़ी हुई, क्योंकि आंदोलन नौ महीने क्रॉस कर गया है, लगातार टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं लेकिन आज तक कोई उनकी सुनवाई नहीं है, कोई उनकी पूछ नहीं है। तो ताई इतने दिन तक आप टिकरी बॉर्डर पर बैठे हो लगातार, के उम्मीद लग गए कि मैं समाधान होगा? उम्मीद तो बेटा समाधान तो होगा, अपना काले कानून रद्द करावांगे। अच्छा। इसमें तो हमारी आस कदे भी नहीं टूटी ना टूट सकती। अच्छा। और रद्द करावांगे कानून, इस पर MSP पर कानून लागू करावांगे। मैन लड़ाई मुद्दा तो हमारी आए है, ये तो बाकी और छोटी मोटी तो यू रोज खट्टर मार गए सिंग उड़ जाए रहे अभी तो। सिंग उड़ जान बाबे बात करा, छोटी मोटी को आप इसने एक किसान तो शहीद हो गया आपका, करनाल में जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई ये मारा गया बहुत दुख की बात है, हमारे किसान शहीद 600 हो गए, और यू जो होया है यू परसों वाला तो मारा भाई ये तो सहन हो ही नहीं सकता, मतलब ये खट्टर ना करवाया है, जब ये खट्टर नहीं आवा था ऐसा खट्टर कार उसका किसान का तो बहुत दूर का फैसला था, खट्टर ने जान कर लड़ाई करवाई है और जान कर ये अत्याचार कराई है, जान कर न मतलब लाठीचार्ज कराया है किसाना के ऊपर, ये खट्टर सरकार या एक खूनी सरकार बाजगी है, क्यों या खून लागी करवानी बने हमें खूनी का नाम तक सरकार ने डिक्लेयर करांगे सारे। हाँ हरियाणा सरकार ने खूनी का नाम था। तो जिस तरह करनाल में जो होया एक किसान मतलब यो आरोप लगा जा रहा है BJP के द्वारा कि भाई देखो आपने बयान भी सुनोगे दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही, जब पुलिस के ऊपर बोले कसी चलाओगे तो वहीं कुछ और फूल मारेंगे। दुष्यंत चौटाला तो एक कौम का गरदार हो गया। हाँ। है और सारी देनी आऊँगी दुष्यंत चौटाला ने भी, जो आज वो भाषा बोल रहा है ना वो थी बहुत सेधगी, उसे उसने तो नहीं लाला सारी जिंदगी की सेधगी, आप जो कुछ भी बोल दो ना उसका शर्म ना उसका कोई मतलब। किसान कसी लेकर क्यों काटेगा, खेत में जा रहा था किसान अपना, आजकल जीरी के साथ सीजन है, अपने नाके भी तोड़े हैं पानी के सारे काम कर रहे हैं, किसान न के बेरा था काटा लठवा जगह तो अपना खेत में जा रहा था, कसी लेकर मारना होगा उसी नहीं यह तो वीडियो आ रही है कसी चला। हाँ वीडियो आ रही है, वो किसान अपना खेत में जा रहा था, किसान ना गिल रोड़ा हो गया तो हाथ में वह कसी होगी तो अपनी जान बचाने खातर भाई फिर वो के लग गए तो अपनी जान बोले हथियार कौन सा जो सा टेम पर काम आ जा मन सा ईंट भी टेम पर काम आ जा, हाँ तो वो तो कसी ले रहा था, वो जब गोली मार रहे थे उनका तो कसी मारन का भी चोर है के किसान बेकसूर, किसान अपने खेत में जा रहा है चलते चलते का लठ डंडे मारेंगे तो कौन खावेगा उनके, किसान इतना पागल थोड़ा है कि पहले ही न छेड़ेगा ईसा किसान छेड़ तो नौ महीने तो मतलब शांति तो बैठा था किसान, नहीं तो किसान एक दिन में इनकी सरकार का ईंट बढ़ा दे, किसान मजदूर में इतनी ताकत है। आप कहीं ना कहीं देखो कहीं भी जाते हैं तो जय जवान और जय किसान का नारा देते हैं, लेकिन करनाल के अंदर एक बात देखी गई जो SDM था उसने सीधा ये बोला कि कोई भी किसान आगे नहीं जाना चाहिए, उसका सर पाट दो लेकिन आगे नहीं जाना चाहिए। वो किसान नहीं है, वो कोई कमीन आदमी था,
कन्नीन था वो अपना ओदा बदवान का तरक्तों बनाएगा कुछ और आराम तो नहीं कहा। ये सरकार है ना, ये कानून तो छोटा गरीब का भी अमीर का भी एक से आड़े नहीं। मेरा कानून लागू होगा तो कोर्ट में तो इन सजा दुआवाएं दुआवांगे हम हैं जो इसने बोलिया है। जनता सिर फोड़न खातिर थोड़ी है भाई, और ये जनता के रुखाड़ी हैं, ये लठ मरवाने खातिर थोड़े हुए हैं। जनता ने समझाओ, इनका फर्ज यू है, जनता ने भी समझाओ, नेता ने भी समझाओ। ये एक पाछा पड़े रहे हैं, मतलब किसान मजदूर का पाछा पड़े रहे हैं, ये अपने लालच में पड़े हैं। ये उतनी अपने लालच में तेरा उद्धा बदागा, तेरी तनख्वाह बदेगी, वो गिल्ला लेकर जाओगा, वो भी या जो जितनी लाग रही है ना वह भी जानती रहेगी उसकी। अगर घर बैठुआ कर छोड़ा गया, हमें छोड़ दे कोई नहीं थी। तो हमें कल किसान, जितने भी किसान थे, किसान नेता थे, सारे कल करनाल के अंदर इकट्ठे हुए, वहाँ क्या फैसला लिया गया था? वहाँ ये फैसला लिया गया, जो हमारा किसान शहीद होया है भाई, 25 लाख रुपये एक उसका घर मत है नौकरी का। अच्छा। और जो हमारे किसान का और का चोट लग रही है उनके 2-2 लाख रुपये सरकार मंजूर कर, जो मतलब वो ऑर्डर दे रहा था वो जमा कति हटाया जावे, उसने सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर केस होना चाहिए। अरे ये तो हमारी मांग है, 6 तारीख ती का उनने टेम मांगा है, नहीं तो फिर 7 ने फिर सब बतरी आना, फिर करनाल में इकट्ठा होगा, फिर अटका कोई और फैसला अलग से लिया जाएगा, लेकिन न्याय दुआ का हटांगे हम। एक जनता का सवाल है, थोड़ा कड़वा है, आपने केवरा उस पर थोड़ा गुस्सा भी है जी, कि लोग न्यू कौन हैं, जो ये नेता हैं, जो किसान नेता बने आंडे हैं, वे क्या कर रहे हैं? जिस टाइम पर विरोध किया जाओ, जिस टाइम पर लठ लागे उस टाइम पर आगे को नहीं आंदे, लेकिन विरोध खत्म होने लठ लग दें, एक घंटा मोड़ पहुँच ले, वो पहले क्या तक तो पहुँचते। बात यह जनता की भी सच्चाई है, जनता नेता ने भी लागी पहचान रमत न्यू को, घना नेताओं पर भी विश्वास नहीं होना चाहिए, यह बात जायज है। बात तो सही है, उन्हें न्यू बेरा है, आज ओड़ा खट्टरा वगैरह विरोध करना है, आगे नेता चल रहे तुम्हारे मजदूरों के सिर नहीं फूटे, उनके बात भी करें, कुछ आगे प्रशासन भी शर्मावे, और वह एक घंटा पाछा ओड़ा उन्हें फिर क्यों को टेम लग जाए, घंटा जाकर घंटा पाछा जाकर वह भाषणबाजी लग जाए करना। लेकिन हमारा किसान, बोड़ा किसान मजदूर, ये तो एक अपनी साफ आत्मा तो न्यू लग रहा है, हमारे काले कानून रद्द हो जाओ। और लेकिन जो ये नेता है, कोई किसी के दिमाग किसे हैं, किसी के किसे हैं भाई, इन्हें मैं तो इन्हें भी कहना चाहूँ, इन गरीब किसाना न मजदूरान ना मरवाओ, इनका आगे होकर चलिया करो, विरोध करना ये टाल नहीं कर सकते। और लेकिन इनका आगे तो चलना चाहिए, मैंने पाछा भी बोलिया था एक बार पहले जब असहार होया था रोड़ा, नेता फैसला करने खातिर तो घंटे मारे हैं, और ऊँ किसान न चेको मार का गेरो कोई ना गेरो, और जब इन्हें टेम नहीं होता फिर टेम है घंटा पाछा क्यों करो जा इन। बात या जायज है जनता की, जनता पिछाड़ेगी नेता ने भी कौन नेता किसा कौन नहीं, मैं तो नहीं कोई इन पर भी अंधविश्वास ना करो, जो अपनी आँख तो है देखण की, अपना दिल भी है समझण का बात या की है। तो यह बात तो चोड़ा का ये भाई नेता भी कई डाल के हो रहे, जो नेता सही हो ना हरियाणा में और कितने कोई बात दे जसाबंदी इसमें पंजाब में है और कोई बात दलट है, ये मारा हरियाणा के 40,000 बालकों पर तो केस कर दिया है, और कूणा कूणा तो अरे मारा कह लहू बुआ लिया, कितना कितना लहू असार ओड़ा केस है करनाल में भाई, रोहतक में कितने मारे गुजरक फोड़ लिए, कितने मारे बालक फोड़ लिए, खून के ऊपर बैल गया। तो भाई या मतलब कमी है किते न किते तो है, या कमी सरकार कमजोरी पकड़ रही है, जब हमारे किसाना का मजदूरी का सर फूटा। तो अब आगे जो मुजफ्फरनगर रैली होने जा रही है उसके राकेश टिकैत भी हरियाणा के अंदर न्योते देने लग रहे हैं, और भी किसान नेता न्योते देने लग रहे हैं, 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा यूपी में पहुँचो, तो उसका क्या मिशन है वहाँ जाने का? उसका मिशन यो है, 9 महीना तो 10वां महीना लग गया, और कोई मतलब महापंचायत से सब्बते भारत मत आवेंगे, और एक खाली हरियाणा पंजाब नहीं जाता, और सब्बत भारत के आवेंगे, और ये अटके साहब ने या मतलब पंचायत धरी है, कोई इसमें इवन कितने दिन बैठे रहेंगे, कोई कठोर फैसले लिएंगे, और जब फैसला होगा और ये खट्टर जाए तो यूँ इतना रोले रबदे कर रहा है भाई, इन्हें पहले किसानों उलझाए दे तो न्यून तो ये यूपी में नहीं जाओगे, यूपी में किसान उड़ी पता जाओगा, कोई किसान निशानी होगा भाई नहीं जाएगा, किसान मजदूर दुकानदार सब जाएंगे, और बहुत बड़ी पंचायत होनी जा रही है जब।
तो रैली करने लगे हो तो आम जनता जो लोग मतलब इसके समर्थन में नहीं है नहीं वो एक बात उठाने लगे कि भाई ये तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे। क्या आपके क्या विचार है, क्या किसी ने किसान मोर्चा में इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखो हम तो इब हमारी आज के दिन हमने हमारे काले कानूना की लड़ाई दिखा है ना, हमने जो यार राजनीतिक सही तो नफरत है, घनी नफरत है। आज थी कोई भी सरकार आई हमारी किसी ने नहीं भला करा ना, हमने इब तक इन हमारा कुछ भी आगे भी आशा हमने इन सरकारों के ऊपर। और देखो ये तो 3 साल पड़े हैं इलेक्शन के, इलेक्शन जिन्हें लड़ना है फिर लड़ लो, पहले लड़ाई तो पार करो, लड़ाई पार करो, पहले लड़ाई जीत कर हम फिर यह भी चाहूँ हाँ कोई मारे किसाना मत है, कोई बड़ी आदमी आवेगा जब मारा भला होगा, तो फिर भी जाइए कुर्सी पर बैठ के जो ही बैठे हैं तो मारा भला तो कदे भी नहीं होने वाला। और आपके पक्ष में कोई भी नहीं बोला, ना दुष्यंत बोला ना मनोहर लाल खट्टर बोला, आपके पक्ष में पूर्व राज्य मंत्री बोले थे, राज्यपाल बोले थे, और आज उसके टिप्पणी में सोनाली फोगाट ने बहुत कुछ कहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? सोनाली फोगाट का तो मैं तो नाम ही लेना चाहती, मैं जान दिए नहीं कौन फोगाट सा कौन है वह। अच्छा। वह है एक गिरी हुई। अच्छा। और मैंने पछे भी उसते ही मैंने कोई दिन फोगाट आया था देखा तो मैं कहा इसकी जीभ न काट दो भाई, तारा बस की नहीं है तो फिर हम काटांगे इसकी। अच्छा। ठीक है, यह होनी चाहवा फेमस। अच्छा। जो आदमी खत्म करना हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। क्या है सोनाली फोगाट, हम तो पाकि जूती नहीं समझते, हम नहीं समझते होती कुर्सी गंदी नाली की कीड़ी जा मेरी है वह, हम नहीं समझते होती। जो अपना घर नहीं बसा सकती, अपना घर लायक नहीं हुआ, वह देश का के भला करेगी? वह तो अपनी मतलब बदमाशी तो मतलब होती ना, हम उसका नाम लेना चाहते 300 फ्रेंसी से मेरा आगे उसका तो नाम भी ना लो बेटा। अच्छा। तो मैं एक लास्ट सवाल और आपसे पूछूंगा, इब 5 तारीख ने हरियाणा तक कितने के लोग यूपी में पहुँचने लग रहे हैं और टोटल कितने के लोग हो जाएंगे उड़े? टोटल उड़े मान से भाई 50 लाख भी आदमी हो जाए उड़े, 50 लाख 50 लाख भी हो जाए उड़े, कोई अंदाजा नहीं। कंडेला में पंचायत हुई थी शुरू में 3 तारीख ने राकेट कैद की, हमने अंदाजा नहीं होते 5-10 हज़ार आदमी आ जाएंगे उड़े, नहीं मेरा 1 लाख आदमी जुड़ गए। अच्छा। और वो ये पंचायत मतलब यूपी की है। अच्छा। उड़े नहीं मेरा जनता कितनी तो आ जाएगी अणित गणित, जनता भी कवर नहीं होती है मीडिया वाले पर भी कितनी जनता पहुँचेगी। अच्छा, तई तो शुरुआत करी थी आंदोलन की, एक सुदेश नाम था आंदोलन की शुरुआत करी थी, आज एक नाम मिल गया तेरे तई ताई सुदेश कंडेला, कंडेला वाली ताई का नाम तो जाना है तने, तो इस तरह मतलब किसा के लोगों का प्यार मिलन लग रहा है, कितना मेहनत करनी पड़न करन लग रहे हो आप उसके प्रति? बेटा मेहनत तो देखो हमारा दिल जुड़िया हुआ या किसी का बस की मेहनत करनी नहीं होती, ये तो एक दिल जुड़ गया है अपना खून का गल है। अच्छा। एक मेरा तो इसमें दिल ईसा जुड़ गया, मैं तो मेरे किसाना का गला लाठी चार जो है कुछ मैं देख नहीं सकती ना मेरे पे देखा जाता है। अरे मेहनत की बात यह बेटा, आज के दिन पहला जट हमारी काले कानूना की लड़ाई सबसे खतरे की है किसान मजदूर के ऊपर, बाकी काम सारे बाद में हैं और काम फिर बन जाएंगे। यूँ मौका आते लेकर जगह हमारा दोबारा नहीं आवेगा। अच्छा। हमने सब कुछ छोड़ कर अपना टिकरी बॉर्डर पर 9 महीना तक बैठी हूँ मैं भी, किसाना की सेवा चाहे कुछ कूलर है कुछ भी है सारा डाल की सेवा मैं सोनिया मान मैं। अरे बेटा रही दूसरी बात जुड़न की एक नाम की, नाम मैं 28 गांव की महिला प्रधान भी बना रखी हूँ मैं कंडेला खाप की। और नाम तो मैंने कोई मतलब नहीं, मैं अपने दिल ते काम कर रही हूँ, दिल ते जनता शीशा है सब ने पहचाना है कौन दिल ते कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है, कौन क्यों चमकना चाह है भाई अपनी, तो वही बात भीतर में वही बाहर। मेरा पता अपने जो किसान मजदूर गल मारा गया अत्याचार कुछ भी बात हो है मेरा पसंद नहीं होती, चाहे मेरा कोई न्यू भी कहें तेरा गोली मारूँ मेरा बेसंग मार दे मैं रुक नहीं सकती कई बार। हाँ भाई सोनिया मान की हमने 19 तारीख ने एक हरियाणा पंजाब की रैली मोहाली में चंडीगढ़ मोहाली में हरियाणा पंजाब की रैली धर दी हमने, वो पंचायत 19 तारीख की हरियाणा में, तभी सारे ने न्यूंदे देकर सब ने सोनिया में एक दिन दौरा करांगे सारे सब ने बुलावांगे उड़ा, क्यों पंजाब में भी इलेक्शन है ओपी की तो लेगी 5 तारीख ने फिर इलेक्शन पंजाब में, लेकिन बीजेपी की बाई काट करने का तरह या रैली करांगे भाई बीजेपी ने पंजाब भी वोट नहीं देगा, इसलिए इस मिशन का ऊपर रैली 19 तारीख की हमने मोहाली में भी टेक दी हरियाणा पंजाब की शीर की।
और उसकी यूपी में हो जाएगी उसकी दो जगह इलेक्शन है। इन्हें मुंह तोड़ जवाब पंजाब में देंगे बीजेपी ने और मुंह का थप्पड़ मार कर उसमें देंगे इन्हें यूपी में। ये रैली ये दो पंचायत इसलिए रखी है। तो ता एक लास्ट सवाल मेरा ये होगा, उनमें के नसीहत देना चाहोगी, के सलाह देना चाहोगी, दुष्यंत चौटाला की बात करूं, खट्टर की बात करूं, जोगीराम सिंह की बात करूं, जो लगातार धक्के से आकर के प्रोग्राम करते हैं किसानों के बीच में और हिंसा फैल रही है। इनका प्रोग्राम है हमारे ढील खेच रेहानी हुए है। जिस दिन हमारा किसान मजदूर की खोपड़ी उल्टी घूमगी ना, इनका बच्चा बच्चा भी नहीं पाओगा। इन्हें रात खड़े खुद खुद भी लिखड़ेंगे। ये जिस दिन हमारी नीत में न्यू आएगी ना भैया, हमने घेरने हैं भी सुते आ। तो ये जनता, ये तो चार चार आदमी है, इनका पुलिस कितनी का बंडा आ जाएगी, सोसो आ जाएगी। और हमारा गांव गल्ला न्यू देख कितने आदमी हैं, इन्हें हल्का आवाज इन्हें ऐसे पकड़ लेंगे, इनकी मुंडी दाब देंगे, इन्हें लिखड़ना मुश्किल हो जाएगा। कह तो ये सुधर जाएंगे, खट्टर का तो सही नहीं आगे पाछ। और यू के दुष्यंत भी खट्टर की चाल चाल रहा है। दुष्यंत ने शर्म आनी चाहिए, उन्हें किसाना के वोट लेकर न ओढ़ जा रहा है। इनकी ये जात ते घेर रखे थे ये दुष्यंत, और ये जात ते ठा दिए, ये जात ये भी न्यू नहीं समझते अकबर तारा भाईचारा है। कुत्तो शर्मा लो, मामने कहा तू कुत्तो शर्मा ले दुष्यंत, तो जाट का नारा ला करे ढेर, तो सारे किसाना के वोट ले गया और तो इन्हें का ऊपर तो लाठी गोली मरुआ है। कम तक कम फूक दे इसी सरकार का अगला दे जोशी का, तू मतलब इसकी जाफी कोई मतलब नहीं थी। इतनी रुपया तो मतलब है ऐसे के इनका नाश हो रहा है। मारा भर गया का दो दो ढाई ढाई किले हम के भूखे सोवा। इनका तो बहुत कुछ पड़ा है, इनकी नीति खराब है। लेकर एक दिन इनका ऐसा आवागा, इनका नाश वो होगा इसका दुष्यंत का परिवार का, जो इतनी आत्मा दुखा रखी है किसान मजदूर की। तो भाई आपने विचार सुने, ताई सुदेश कंडेल लागे जो सीधे और स्पष्ट बात करने में विश्वास रखा है, हिम्मत रखा है। तो वीडियो किसी लगी कमेंट का माध्यम से वीडियो में अपने विचार जरूर दियो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो भाई, सारे शेयर करियो मेरी बात ना, तो दूर से ही पहुँचनी चाहिए बेटा मेरी बात सारा। अरे देखो अपना के लक्के टाइम बीत रहा है, और मैं तो आखिरी संदेश यू दे बेटा, अपनी एकता जोड़ो, जितनी भी है अपनी एकता काम करेगी अपना, और अपना कोई नहीं, एक अपना भगवान सा अपना साथ में, और एक हमारी एकता, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद। तो भाई साथियों धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।